लखनऊ में एसपी के एमएलसी अमित यादव के हजरतगंज के फ्लैट में एक लड़के की गोली लगने से मौत हो गई। बताया गया कि जिस वक्त ये गोली चली वहां एक पार्टी चल रही थी, तभी गलती से गोली चल गई जो सीधा इस लड़के को जाकर लगी। हालांकि जिस वक्त ये हादसा हुआ एमएलसी अमित यादव वहां मौजूद नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने फ्लैट में मौजूद लोगों को हिरासत में ले लिया और हत्या के बारे में पूछताछ तेज कर दी। अजीत सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अजीत, शुरुआती जांच में क्या बात सामने आई है? देखिए, बिल्कुल लापलास सारागंज के सामने ये सरकारी अपार्टमेंट है जिसमें शाहजहांपुर के एमएलसी अमित यादव का अपार्टमेंट फ्लैट है। उसमें ये बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी, जिसमें एक युवक की पिस्टल से गोली चली, जिसमें राकेश नाम के लड़के को गोली लगी और बाद में उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बर्थडे पार्टी में पिस्टल रखी हुई थी और अचानक गोली चल गई। इस बात की जांच की जा रही पुलिस की तरफ से, आखिर गोली कैसे चली। सभी बिंदुओं पर पुलिस की तरफ से वहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, वो सब पहुंचे थे। मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल, तो अजीत हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल लखनऊ में एसपी के एमएलसी अमित यादव के हजरतगंज के फ्लैट में एक लड़के की गोली लगने से मौत हो गई। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गोलान पहाड़ियों के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का वहां जोरदार विरोध किया गया। पोम्पियो पहले अमेरिकी मंत्री हैं जिन्होंने विवादित माने जाने वाले इन इलाकों का दौरा किया, लेकिन उनके इस दौरे से वहां रहने वाले फिलिस्तीनी लोग भड़क उठे। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे लोगों ने सड़कों पर आगजनी भी की। इन लोगों ने वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा बताए जाने का विरोध किया। हालांकि प्रदर्शनों से बेपरवाह पोम्पियो वेस्ट बैंक में बनाई गई इसराइली बस्तियों तक पहुंचे और वहां रहने वाले लोगों से बातचीत की। वेस्ट बैंक के बाद पोम्पियो इसराइल के कब्जे वाली गोलान पहाड़ियों पर पहुंचे। उन्होंने खुलकर इस इलाके को इसराइल का हिस्सा बता दिया। इसराइल ने 1967 में हुई जंग के बाद सीरिया से इलाका छीन लिया था और तब से ही इन पहाड़ियों के लिए दोनों देशों के बीच तनाव है। रेलवे जल्द ही सिर्फ मालगाड़ियों के चलने के लिए बनाए गए एक नए ट्रैक की शुरुआत कर देगा। देश में सामान ढोने के लिए लुधियाना से कोलकाता और मुंबई से दादरी को जोड़ने वाले दो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसका कानपुर से खुर्जा को जोड़ने वाला हिस्सा कुछ ही दिनों में शुरू होने की उम्मीद है। इस ट्रैक के शुरू होने के बाद मालगाड़ियां इसी ट्रैक पर दौड़ा करेंगी और यात्री ट्रेनों को मालगाड़ियों की वजह से इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जबकि एक जगह से दूसरी जगह तक सामान भी जल्दी पहुंचाया जा सकेगा। 6 और ऐसे कॉरिडोर भारत सरकार ने जो है प्लान किए हैं, महानगर है उनको आपस में जोड़ने वाला कॉरिडोर होगा। आबादी वाले इलाकों में रेलवे ने ट्रैक के दोनों तरफ एक दीवार भी बनवाई ताकि भारी ट्रेनों के गुजरने से उन्हें कोई परेशानी न हो। साउंड को और जो वाइब्रेशन है उसको ये अब्सॉर्ब कर लेता है और उस पार जाने नहीं देता। रेलवे के अधिकारियों ने दावा किया कि इस कॉरिडोर के शुरू होने के बाद यात्रियों के साथ साथ व्यापारियों को भी काफी सहूलियत होगी। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में एक दिन पहले मारे गए चारों आतंकी बहुत बड़ा हमला करने की फिराक में थे। न्यूज 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि नगरोटा में हुई मुठभेड़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल समेत खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में खुफिया एजेंसियों की तरफ से बताया गया कि नगरोटा में मारे गए चारों आतंकी 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले की बरसी पर बड़ा हमला करने की फिराक में थे। इस मुठभेड़ के बाद श्रीनगर और जम्मू के कुछ लोग सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर हैं और एक आदमी को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। माना जा रहा है कि आतंकियों को कश्मीर पहुंचाने में इस आरोपी का हाथ हो सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट कर पाकिस्तान पर निशाना साधा और नगरोटा मुठभेड़ की कामयाबी के लिए जवानों की तारीफ की। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में खुद पर टीका लगवाया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में सबसे पहले खुद पर टीका लगवाया। इसके साथ ही राज्य में भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण शुरू हो गया। अनिल विज पर लगाई गई वैक्सीन का नतीजा 42 दिन में आएगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नक्सल प्रभावित इलाकों में मनरेगा मजदूरों के लिए अहम ऐलान किया। अब उन्हें हर साल 100 दिनों के बजाय 200 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले जो बाइडेन ने WHO में फिर शामिल होने का ऐलान किया। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल में WHO पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाते हुए उसे फंड देना बंद कर दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के विकल्प की जरूरत पर जोर दिया। ST लीडरशिप समिट में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया। ऐसे लगता है कि कांग्रेस का कोई माई बाप ही नहीं बचा है, कांग्रेस का कोई ओनर नहीं बचा है।
स्टेट आफ्टर स्टेट हम देखते हैं कि लोग बीजेपी से परेशान होके कांग्रेस को वोट देते हैं और फिर कांग्रेस जो है वो बीजेपी की सरकार बनवा देती है, कांग्रेस के सारे एमएलए जाके बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो अब ऐसे हो गए जैसे चुनाव बेमानी हो गए हैं, आप वोट बीजेपी को दो या कांग्रेस को दो, सरकार बीजेपी की बनती है। मुझे लगता है कि अब नेशनल लेवल के ऊपर एक कांग्रेस के अल्टरनेटिव की जरूरत है। दिल्ली की तर्ज पर मुंबई और भोपाल समेत देश के कई शहरों में मास्क न लगाने वालों पर वहां के प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। भोपाल में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ एक महीने तक अभियान चलाने का ऐलान किया गया और इस अभियान के पहले ही दिन बगैर मास्क पहने कई लोग प्रशासन के हत्थे चढ़ गए। हालांकि कुछ लोगों ने चालान से बचने के लिए कई तरह की दलीलें दी लेकिन उनका चालान काटने वालों पर कुछ असर नहीं हुआ। भोपाल की सड़कों पर पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई और मास्क न पहनने वालों पर उसने जरा भी रहम नहीं दिखाया, उसमें दंडित किए जाएंगे, मास्क जुर्माना 100 रुपया मात्र है। भोपाल की तरह मुंबई में वहां के नगर निगम बीएमसी ने मास्क पहनने का नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की। नवी मुंबई को मुंबई से जोड़ने वाले एरोली टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों, ऑटो और बाइक सवार लोगों को रोक कर उनका चालान काटा गया। अगर मास्क कोई नहीं पहनता है ऐसे आपको मिलते हैं तो कितना फाइन आप ले रहे हैं? 200 सर। अहमदाबाद में लोगों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए प्रशासन ने कई कदम उठाए। वहां न केवल बिना मास्क वालों के चालान काटे गए बल्कि चालान काटने के बाद उन्हें मास्क भी पहनाए गए। इतना ही नहीं, जो लोग बिना मास्क के पकड़े गए उनका तुरंत कोरोना टेस्ट भी प्रशासन की तरफ से किया गया ताकि कोरोना के खतरे से निपटा जा सके। यूपी के बांदा में एक पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पुलिस वाले की मां और बहन को भी पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या का आरोप मारे गए पुलिस वाले के पड़ोस में रहने वाले उसी के चचेरे भाइयों पर लगा है। बताया गया कि इस पुलिस वाले का अपने चचेरे भाइयों के साथ मामूली बात पर विवाद हुआ था जिसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि उन्होंने 3 लोगों की हत्या कर दी। अब पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को पकड़ लिया। चचेरे भाइयों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था, उसी में एक परिवार के जो 3 लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है। उसमें एक लड़का है, उसकी बहन है और उसकी माँ है और 3 आरोपियों को अभी हमने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। यूपी के बाराबंकी से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई जिसमें शराब की एक दुकान में बीजेपी के एक नेता मारपीट करते दिखाई दी। आरोप है कि शराब उधार मांगने पर दुकानदार के साथ उनकी बहस हुई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया जिसमें दिखा कि बीजेपी नेता दुकान के अंदर घुसे और कुर्सी पर बैठे आदमी को पीछे से पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने उस पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। इस बीच उस आदमी ने कुर्सी से उठकर खुद को बचाने की कोशिश भी की लेकिन बीजेपी नेता के हाथ फिर भी नहीं रुके। वो उसे तब तक पीटते रहे जब तक दुकान के बाहर खड़े दूसरे लोग बीच बचाव करने नहीं पहुंचे। लोगों ने किसी तरह उन्हें शांत कराया और दुकान से बाहर ले गए। बाद में शराब दुकानदार ने पुलिस से इस मामले की शिकायत भी की। जम्मू के पास नगरोटा में एक दिन पहले हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों को पाकिस्तान से दिशा निर्देश दिए जा रहे थे। ये जानकारी तब पता चली जब सुरक्षा बल के जवानों के साथ इन आतंकवादियों के फोन लगे जिनमें पाकिस्तान से कई SMS भेजे गए थे और पल पल की जानकारी ली जा रही थी। ये 4 आतंकी कहां पहुंचे हैं इसके बारे में SMS करके पूछा जा रहा था। खबर है कि पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के आतंकी रूप अजगर की तरफ से ये दिशा निर्देश मिल रहे थे। मध्य अमेरिकी देश होंडुरस में समुद्री तूफान आयोटा की वजह से आई बाढ़ ने शहर के शहर डुबो दी। 2 हफ्ते पहले आए तूफान एटा के बाद लोग संभले भी नहीं थे कि इस तूफान ने उन्हें झकझोर कर रख दिया और हजारों लोगों के सर से छत छीन ली। लोगों की बर्बादी का मंजर आसमान से ली गई तस्वीरों में साफ साफ नजर आया। वहां ऐसी बाढ़ आई कि छोटे छोटे मकान तो क्या, बहुमंजिला इमारतों तक की बस छतें ही दिखाई दी। एक नदी का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उफनता पानी शहरों में घुस गया। तस्वीरों में जीवन देने वाली नदी लोगों की जिंदगी छीनने पर उतारू दिखी। पानी के सामने जो कुछ भी आया बर्बाद हो गया। गाड़ियां डूब गईं, सड़कें टूट गईं, पानी घरों के अंदर घुसने लगा तो लोगों के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति हो गई। इसलिए एक तस्वीर में कुछ लोग पानी के बीच ही कुर्सियां लगाकर बैठे दिखे। हांगकांग में एयर इंडिया की उड़ानों पर 14 दिन की रोक लगी। हांगकांग सरकार ने एयर इंडिया की उड़ानों पर 14 दिन की रोक लगा दी। एयर इंडिया की फ्लाइट में कुछ यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ये कदम उठाया गया। IPS अधिकारी अशोक कुमार उत्तराखंड के नए DGP होंगे। अशोक कुमार राज्य में अभी DG लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मा संभाल रहे हैं।
मध्य प्रदेश के 5 जिलों में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, विदिशा और रतलाम जिले शामिल हैं। हालांकि जरूरी सेवा और फैक्ट्री कर्मचारियों को इसमें छूट दी गई है। विभाग के निर्देशों के अनुसार केवल गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे। दावा किया गया कि प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। 4 लोगों की डेथ जो है वह जहरीली शराब पीने से हुई है। दिल्ली में कोरोना संकट के बीच सबसे बड़े सर्वे की शुरुआत कर दी गई, जिसके तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने राजधानी के 11 जिलों में घर घर जाकर लोगों की जांच शुरू कर दी, ताकि कोरोना मरीजों की पहचान कर उन्हें वक्त पर इलाज मुहैया कराया जा सके। राजधानी के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम शरीर का तापमान मापने वाली मशीन और ऑक्सीमीटर की मदद से लोगों की जांच करती दिखी। इस सर्वे के तहत बड़े बुजुर्गों के साथ बच्चों की भी जांच की जा रही है। अगर उसको फीवर हमें है कि हाँ इसको फीवर है, तो कल हम उसको डिस्पेंसरी भेज के उसका कोविड जांच कराएं। इसके अलावा इस सर्वे में लोगों की पूरी जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम नोट कर रही है, ताकि अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव मिले तो फौरन उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा सके। कुछ रोज पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक में दिल्ली में इसमें इस सबसे बड़े सर्वे को करने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य विभाग की टीमें राजधानी के 13 से 14 लाख घरों में जाएंगी और कोरोना मरीजों की पहचान कर उन्हें इलाज मुहैया कराने में मदद करेंगी। इस काम के लिए 9,500 टीमें मैदान में उतरी गई, जो 5 दिनों के अंदर इस सबसे बड़े सर्वे को पूरा करेंगी। ये टीमें घनी आबादी और कंटेनमेंट जोन में भी सर्वे करेंगी। इतना ही नहीं, होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज ठीक से नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसका ध्यान भी सर्वे करने वाली ये टीमें रखेंगी। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी के बाद सरकार ने रात में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया। न्यूज 18 के मनोज शर्मा की रिपोर्ट है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात को कर्फ्यू लगाया जाएगा। इन शहरों में पिछले 7 दिनों में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया, जिसकी शुरुआत आज रात 10 बजे से होगी और सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। इस बीच सामान लाने ले जाने वाले ट्रकों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले कर्मचारियों को छूट रहेगी और आज ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें शादी और दूसरे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर भी फैसला लिया जाएगा। 9 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी विभाग के निर्देशों के अनुसार केवल गाइडेंस के लिए स्कूल में जा सकेंगे, कॉलेज भी बंद रहेंगे। दिवाली के बाद देश के कुछ राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्र ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर में अपनी टीमें भेजी, जहां केंद्र की ये टीमें कोरोना प्रभावित जिलों का दौरा करेंगी और कोरोना संकट पर काबू पाने के लिए प्रशासन को जरूरी सलाह देंगी। यही नहीं, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं, वहां पर केंद्र ने कोरोना की जाँच बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि वक्त पर मरीजों की पहचान कर उन्हें इलाज मुहैया कराया जा सके। सलमान खान की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। सलमान खान और उनके परिवार के सभी लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। सलमान खान के निजी ड्राइवर और 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद सलमान खान और उनके पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट हुआ था। दिल्ली के मौर्या एन्क्लेव इलाके में एक होटल पर FIR दर्ज करवाई गई। आरोप है कि इस होटल में लोगों की काफी भीड़ थी और वहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ा गया। कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए मुंबई में 31 दिसंबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया। इससे पहले 23 नवंबर से स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए थे। सब सुविधा, सब नियमों का पालन करके ही हमें जो है वो स्कूल की शुरुआत करनी है। ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम उम्र 15 साल तय कर दी। हालांकि कुछ शर्तों के साथ कम उम्र के खिलाड़ी को खेलने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए वहां के क्रिकेट बोर्ड को अपील करनी होगी, जिसके बाद ICC कई पहलुओं को देखते हुए ये अनुमति देने पर विचार करेगा। यूपी के प्रयागराज में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 6 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि फूलपुर इलाके के 10 गांवों के लोग जहरीली शराब की चपेट में आए हैं। प्रशासन और लोगों की पहचान में जुड़ा हुआ है। घटना 19 नवंबर की है और मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। पुलिस उन लोगों को सतर्क कर रही है जिन्होंने जहरीली शराब बांटने वाली दुकान से शराब खरीदी है। दुकान से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है और पुलिस के साथ राजस्व की टीम भी पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि 4 लोगों की डेथ जो है वह जहरीली शराब पीने से हुई है। अभी इसकी पुष्टि भी करवाई जा रही है और प्रशासनिक टीम अभी सक्रिय है और घर घर पर भी ये चेक करवाया जा रहा है कि जिन लोगों ने भी शराब का सेवन किया था उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है।
कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद की वजह से दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तरह दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर भी लोगों का रैंडम टेस्ट शुरू किया गया। फरीदाबाद प्रशासन के आदेश पर दोपहर करीब 2 बजे से बॉर्डर पर लोगों का कोरोना टेस्ट शुरू हुआ और दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तरह ही वहां रैंडम टेस्ट यानी बॉर्डर से गुजरने वाले लोगों में कुछ लोगों का ही टेस्ट किया गया। दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस के जवान तैनात नजर आए। पुलिस ने वहां से गुजर रहे कुछ लोगों को रोका और एक एम्बुलेंस के पास कुर्सियों में बैठे स्वास्थ्य कर्मियों ने उनका सैंपल लिया। इस रैंडम कोरोना टेस्ट के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का इस्तेमाल किया गया जिसके नतीजे 10 से 15 मिनट में पता चल जाते हैं। फरीदाबाद में पिछले एक हफ्ते में कोरोना की वजह से 16 लोगों की मौत हो चुकी है जिसने वहां के प्रशासन की चिंता बढ़ा दी। फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने उम्मीद जताई कि बॉर्डर पर रैंडम टेस्ट से वहां कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आ सकती है। अगर कोई सिम्टम्स नजर आते हैं किसी के पास में तो सिम्टम वाले का तो निश्चित तौर पर करेंगे टेस्ट कनेक्ट करेंगे। बताया गया कि दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर प्रशासन की तरफ से एक मोबाइल लैब भी लगाई गई है जिसमें वहां से गुजरने वाला कोई भी शख्स अपना कोरोना टेस्ट करवा सकता है। बिहार के छपरा में छठ पूजा के समय फायरिंग हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई वहां सैकड़ों लोग पूजा के लिए पहुंचे हुए थे जबकि भीड़ के बीच मौजूद एक लड़के के हाथ में बंदूक दिखाई दी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अचानक बंदूक से गोली चली और सीधा सामने खड़े एक लड़के के हाथ में जाकर लग गई। इससे पहले बंदूक हाथ में लेकर पहुंचे लड़के ने आराम से बंदूक में गोली भरी जबकि कुछ लोग आसपास खड़े लोगों को दूर करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद इस लड़के ने हवा में एक गोली भी चलाई लेकिन दूसरी गोली चलाते वक्त छठ घाट पर यह हादसा हो गया और गोली लगने से 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पश्चिम बंगाल में छठ पूजा के आयोजकों को आर्थिक मदद देने पर ममता सरकार बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी ने छठ पूजा समितियों को दी जा रही आर्थिक मदद को टीएमसी का चुनावी स्टंट करार दिया और छठ पूजा के लिए आर्थिक मदद को वोट बैंक की राजनीति बताया। इन आरोपों की एक वजह बने आसनसोल के मेयर और टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी जिन्होंने छठ पूजा समितियों को पैसों के अलावा ममता बनर्जी की तस्वीर लगे अगरबत्ती के पैकेट बांटे। 5,000 रुपए का अनुदान और उसके साथ साथ हर कमेटी को 100 मास्क और 50 करके अगरबत्ती ये दिया गया। बताया गया कि पश्चिम बंगाल की करीब 100 पूजा समितियों को राज्य सरकार ने मदद देने का ऐलान किया जिस पर बीजेपी ने उसे घेर लिया। इनसे कोई पूजा से मतलब नहीं है, इनका वोट से मतलब है। सियासी आरोपों के बीच ममता बनर्जी ने भी हिंदी भाषा में एक वीडियो जारी कर सभी को छठ पूजा की शुभकामनाएं दी कि आप छठ पूजा मनाइए, अच्छा से मनाइए और आप खुद ही आपका केयर करिए। हमारा गवर्नमेंट हमारा पुलिस आपको फुल कोऑपरेट करेगा। माना जा रहा है कि हिंदी में शुभकामनाओं के जरिए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में रह रहे हिंदी भाषियों को साधने की कोशिश की। G20 सम्मेलन की आज शुरुआत होगी। 2 दिन तक चलने वाले G20 सम्मेलन की आज शुरुआत होगी। सऊदी अरब की अगुवाई में ये वर्चुअल सम्मेलन आयोजित किया जाएगा जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ ने कोरोना खतरे से लोगों को जागरूक करने के लिए एक कैंप लगाया। इस कैंप में आने वाले लोगों को इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयां भी दी गई। इसमें फायदा है लोगों का, लोग अच्छा रह रहे हैं इससे। गुजरात सरकार ने आज से सूरत, वडोदरा और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। CBSE ने साफ किया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं होंगी और जल्द परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। कोरोना की वजह से मार्च से स्कूल बंद हैं और छात्रों को ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाया जा रहा है। यूपी के बांदा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने मारे गए लोगों के पड़ोस में रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपियों को अभी हमने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। चीन ने कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे ब्राजील में वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी। चीन की इस वैक्सीन का पूरे ब्राजील में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जाएगा जिसके लिए वैक्सीन की पहली खेप वहां साओ पोलो में पहुंचा दी गई। वैक्सीन लाने वाले विमान के स्वागत के लिए वहां के गवर्नर खुद हवाई अड्डे पहुंच गए। विमान से वैक्सीन से लदे 2 कंटेनर उतारे गए। पहली खेप में वैक्सीन की 1,20,000 डोज ब्राजील पहुंचाई गई। अंतिम मंजूरी देने से पहले इस वैक्सीन का ब्राजील में बड़े पैमाने पर परीक्षण होगा जिसके बाद इसकी 10 करोड़ डोज और तैयार की जाएंगी। इसी तरह रूस ने यूरोप के हंगरी में अपनी वैक्सीन की पहली खेप पहुंचा दी। हंगरी रूस की स्पुटनिक 5 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूरोप का पहला देश है। हालांकि ज्यादातर देश जरूरी ट्रायल पूरे नहीं करने की वजह से इस वैक्सीन को खारिज करते रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कुछ लोगों को रोककर कोरोना जांच की गई।
कुछ दिन पहले गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के आदेश के बाद दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी कोरोना जांच करने की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद गुरुग्राम में भी कोरोना की रोकथाम के लिए बॉर्डर पर डॉक्टरों की एक टीम तैनात की गई और दिल्ली से वहां पहुंचने वाले कुछ लोगों को रोककर उनकी जांच की गई। ये स्वास्थ्य विभाग की टीम है जो कि रैंडमली टेस्ट कर रही है, जो भी लोग गुरुग्राम में आ रहे हैं वो यहां पर टेस्ट करवा सकते हैं। गुरुग्राम में भी अचानक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन ने इस तरह से जांच करने का फैसला किया और शहर की कई भीड़भाड़ वाली जगहों पर इस तरह से लोगों की जांच की गई। वह 7 बजे से खांडसा मंडी में भी चल रही है और वैसे दिन में तो हर पीएचसी पे डेली कैंप लगते ही हैं। प्रशासन ने लोगों से भी सतर्क रहने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की अपील की। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने 3 बदमाशों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चला दिया। वहां कुछ रोज पहले हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर के कई अवैध निर्माणों को भी इसी तरह ध्वस्त किया गया था। और अब इसी कड़ी में प्रशासन ने शहर के 3 बदमाश प्यारे मियां, मनोहर वर्मा और अरुण वर्मा के अवैध ठिकानों को धराशायी कर दिया। सबसे पहले प्रशासन ने यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां के मकान पर बुलडोजर चलाया। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए वहां खुदाई करने वाली एक बड़ी मशीन बुलाई गई, जिससे मकान को ढहा दिया गया। इस दौरान वहां प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्रवाई से पहले प्रशासन की टीम ने इस मकान का मुआयना किया, लेकिन अंदर पहुंचते ही अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि रिहायशी इलाके में मौजूद इस मकान के अंदर बार बना हुआ था। सेकंड फ्लोर टोटली इलीगल है, बार रूम में कन्वर्ट है, एक्चुअली वो 80 घंटा लग रहा। इसके बाद प्रशासन ने शहर के एक दूसरे इलाके में मौजूद बदमाश मनोहर वर्मा और अरुण वर्मा के अवैध ठिकानों को भी गिरा दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में खुदाई करने वाली 2 बड़ी मशीनें अवैध निर्माण को तोड़ती दिखी। दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं लगाने वालों से जुर्माने की बड़ी रकम से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। न्यूज 18 के अमित सिंह की रिपोर्ट है कि मास्क नहीं लगाने पर अब दिल्ली में 500 के बजाय 2000 रुपए जुर्माना देना होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करने पर भी 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन पर 2000 रुपए वसूले जाएंगे। यही नहीं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी 2000 रुपए का चालान कटेगा। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर भी सरकार जुर्माने के तौर पर 2000 रुपए वसूल करेगी। नागोर्नो कराबाख में रह रहे आर्मेनिया के कई लोगों ने इलाका छोड़ने से पहले अपने घरों में आग लगा दी। शांति समझौते के तहत आर्मेनिया को अपने कब्जे वाले नागोर्नो कराबाख के कुछ इलाके अजरबैजान को सौंपने, इसलिए वहां रह रहे आर्मेनिया के लोग अपना घर बार पीछे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने मकान तो खाली किए मगर खुंदक में उन्हें आग भी लगा दी ताकि अजरबैजान के हाथ कुछ न लगे। अगर आम वक्त होता तो घर में एक चिंगारी भड़कती दिखते ही चीख पुकार मच जाती है, लेकिन नागोर्नो कराबाख में लोगों पर जंग की मार ऐसी पड़ी कि जिन घरों को उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से बसाया था उन्हें अपने ही हाथों फूंक दिया। लोग जो कुछ भी अपने साथ ले जा सकते थे ले गए, लेकिन मकान तो वहीं छोड़ना पड़ता, इसलिए उसे जलाकर राख ही कर दिया। इस इलाके के ज्यादातर लोग 1994 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग खत्म होने के बाद अपने पुराने मकान छोड़कर यहाँ बसे थे। सोचा तो था कि यहीं से दुनिया को अलविदा कहेंगे, लेकिन अब इन्हें एक बार फिर किसी दूसरी जगह पर अपना आशियाना बसाना होगा। समझौते की शर्त के मुताबिक आर्मेनिया के लोगों ने जमीन तो छोड़ दी, लेकिन ऐसी हालत में छोड़ी कि अजरबैजान को उसे दोबारा बसाने में सालों बीत जाएं। अहमदाबाद में लागू नाइट कर्फ्यू के समय पुलिस वाले सड़कों पर गश्त करते नजर आए। बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से अहमदाबाद में सोमवार सुबह तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और इसे सफल बनाने के लिए वहां कई पुलिस वालों की तैनाती की गई। पुलिस की गाड़ियां शहर की सड़कों पर सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट करती नजर आई। कर्फ्यू की वजह से वक्त से पहले दुकानें बंद होने से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। इस बीच वहां से गुजर रहे कई मोटरसाइकिल और कार सवार लोगों को पुलिस वालों ने रोका और उनसे पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के बाद उन सभी को नाइट कर्फ्यू का पालन करने की हिदायत देकर छोड़ दिया गया। अहमदाबाद में कोरोना खतरे से निपटने के लिए ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इससे छूट दी गई है। एमपी के बाद यूपी सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी में है। न्यूज 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए यूपी सरकार ने कानून मंत्रालय को मसौदा भेज दिया और मंजूरी मिलने पर राज्य सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना देगी। खबर है कि यूपी सरकार की तरफ से जो मसौदा भेजा गया उसमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना दंडनीय अपराध होगा और मसौदे में इस कानून के उल्लंघन पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, अपना धर्म बदल रहे लोगों को दोनों धर्मों के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।
इसके अलावा धर्म परिवर्तन करने वालों को राज्य सरकार और प्रशासन को नोटिस भी देना होगा, जिससे सरकारी आंकड़ों में एक एक चीज दर्ज रहे। इस कानून में कार्रवाई की समय सीमा भी तय होगी, ताकि कम समय में आरोपियों को सजा दिलाई जा सके। ऐसा कानून बनेगा कि लोगों को इस बात के लिए चिंता रहे, और इस बात की कभी भी अगर इस तरीके का कानून तोड़ेंगे वो, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी। यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में टॉपर रही आईएएस अधिकारी टीना डाबी ने तलाक का फैसला लिया। 2016 में यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में टॉपर रही आईएएस अधिकारी टीना डाबी और अतर आमिर ने तलाक का फैसला किया। दोनों ने जयपुर की फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की है। अतर और टीना की शादी साल 2018 में हुई थी। अतर कश्मीर के जबकि टीना दिल्ली की रहने वाली है। कानपुर पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी और भाई समेत 9 लोगों पर फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करने का केस दर्ज किया। इन लोगों पर फर्जी कागज दिखाकर हथियारों के लाइसेंस और सिम कार्ड लेने का आरोप है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स की पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया। इससे पहले डिविलियर्स के 2 बेटे हैं। लव जिहाद पर सियासी जंग और तेज होती जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी ने ये शब्द गढ़ा। वहीं राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने पलटवार करते हुए सीएम अशोक गहलोत के बयान को शर्मनाक बताया। ये बयान निश्चित रूप से एक ओछी मानसिकता का परिचायक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन पर कल अहम बैठक की। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन से जुड़े अलग अलग पहलुओं की समीक्षा की गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बताया कि बैठक में वैक्सीन बनाने की प्रगति, उसके रखरखाव और लोगों तक पहुंचाने के इंतजाम पर चर्चा हुई। आबादी के किस हिस्से को विशेष तौर पर वैक्सीन सबसे पहले उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, इस पर भी चर्चा की गई। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक लबैक के मुखिया खादिम हुसैन रिजवी की रहस्यमयी हालात में मौत हो गई, जिसके बाद अटकलें शुरू हो गई। तहरीक लबैक के प्रवक्ता के मुताबिक रिजवी को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में तकलीफ थी और उन्हें बुखार भी था। इस बयान के बाद उसकी मौत के लिए कोरोना को जिम्मेदार बताया जाने लगा, हालांकि किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की। लेकिन खादिम हुसैन रिजवी की मौत के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ होने की अटकलें भी लगाई जाने लगी, क्योंकि कट्टरपंथी नेता रिजवी पिछले कुछ वक्त से इमरान सरकार के लिए सिरदर्द बने थे और वो कई मौकों पर सरकार को मुसीबत में डाल चुके थे। दिल्ली में कोरोना से निपटने में सेना के डॉक्टरों ने मोर्चा संभाल लिया। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात से निपटने के लिए सेना के 75 डॉक्टरों और 251 स्वास्थ्य कर्मियों ने राजधानी में अपना काम संभाल लिया। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद ये सभी कोरोना संकट से निपटने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में आदिवासी समुदाय के 14 परिवारों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने उनका गांव में बहिष्कार कर दिया है। आरोप है कि कुछ दिन पहले इन आदिवासी समुदाय के परिवारों से 201 रुपए चंदा मांगा गया था, लेकिन जब इन्होंने पैसे न होने की मजबूरी बताई तो इनका गांव से निकलना बंद कर दिया गया। प्रशासन ने ये मामला सामने आने के बाद जाँच के आदेश दिए हैं। दुर्गा उत्सव के दौरान उनसे चंदा मांगा गया था गाँव के कुछ लोगों द्वारा, उनके द्वारा नहीं दिया गया, इस कारण से उनके जो सामाजिक वहाँ पे लोगों द्वारा बहिष्कार किया गया है। श्रीनगर पहुंचे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को घेरा। उन्होंने आर्टिकल 370 हटने के बाद PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर कश्मीर के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। ये लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि हम 370 वापस लाएंगे। एक पुलिस वाले पर बदसलूकी का आरोप लगाने वाली यूपी के बरेली की रहने वाली भजन गायिका के बहाने विपक्ष ने योगी सरकार को घेर लिया। मिशन शक्ति का उपयोग इन पुलिस वालों के खिलाफ भी तुरंत होना चाहिए। बरेली में हुए एक भजन कार्यक्रम में शामिल हुई इस गायिका ने फेसबुक के जरिए रोते रोते आपबीती सुनाई और अलीगंज थाने की गैनी चौकी में तैनात एक पुलिस वाले पर आरोप लगाया कि उसने मंच पर आकर उससे गाली गलौज की। भजन कीर्तन करने वाले क्या पुलिस हमें मां बहन की गालियां देगी। पश्चिम बंगाल के बाद बीजेपी की अब तमिलनाडु पर नजर है। तमिलनाडु में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज गृह मंत्री अमित शाह चेन्नई जाएंगे। चेन्नई में अमित शाह बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शिरकत करेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह शाम 4:30 बजे तमिलनाडु में विकास की कई योजनाओं और प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शाम को तमिलनाडु बीजेपी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों से मुलाकात का कार्यक्रम है। कोलकाता में बीजेपी के नेता लॉकेट चटर्जी ने लव जिहाद के खिलाफ रैली निकाली। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने जिसे लेकर राज्य में अब लव जिहाद का मुद्दा भी गरमाने लगा है, और इस मुद्दे को हवा देने का काम बीजेपी की नेता लॉकेट चटर्जी ने किया, जिन्होंने कोलकाता की सड़कों पर रैली निकालकर लव जिहाद पर विरोध जताया।
लोकेश चटर्जी आज कोलकाता की सड़कों पर लव जिहाद को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बाद में लोकेश चटर्जी ने लव जिहाद का आरोप लगाने वाले एक परिवार से मुलाकात की। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने का भरोसा दिया। आपकी सरकार आ जाएगी तो लव जिहाद के खिलाफ यहाँ पर कानून लाएंगे एकदम। तो वहीं टीएमसी ने इसे लोगों का निजी मामला बताया। आई बिलीव दैट लव इज अ सेपरेट थिंग, जिहाद इज अ सेपरेट थिंग, इट डजंट रिलेट विद एनी, यू नो, द फ्रेम ऑफ वर्क ऑफ द रिलीजियस थिंग। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनके लिए अभी से सभी दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। G20 का दो दिन का सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। वर्चुअल तरीके से आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में भारत की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। बैठक में कोरोना संकट और कोरोना के बाद आर्थिक सुधार बड़ा मुद्दा होगा। सऊदी अरब की अगुवाई वाली G20 सम्मेलन की इस बार की थीम है 21वीं सदी के अवसर की सभी के लिए पहचान करना। भारत 2022 के G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा और भारत से पहले 2021 में इटली में सम्मेलन का आयोजन होगा। रूस से रोंगटे खड़े करने वाला एक वीडियो